जनपद हापुड़ में आज भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश मंत्री मुनीश योगी के नेतृत्व में कार्यकर्ता हापुड़ तहसील चौराहे पर राहुल गांधी का पुतला लेकर पहुंचे। इसके बाद वहां पहले से मौजूद पुलिसकर्मियों ने भाजपा कार्यकर्ताओं से राहुल गांधी का पुतला छीनने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस व भाजपा कार्यकर्ताओं में पुतले को लेकर काफी खींचातानी नोकझोंक भी हुई। अंत में पुलिस भाजपा नेताओं से राहुल गांधी का पुतला छीनने में कामयाब रही और राहुल गांधी के पुतले का दहन पुलिस ने नहीं होने दिया, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने कुछ कागजों में आग लगा दी जिससे पुलिस ने फौरन बुझा दिया। हापुड़ से दैनिक भास्कर के लिए भूपेंद्र सागर की रिपोर्ट। मेरा नाम मुनीश योगी, प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी और ओबीसी मोर्चा हापुड़ का प्रभारी भी हूँ। आपने पुतला फूंकने का प्रयास किया तहसील चौराहे पर। आज भारतीय जनता पार्टी पिशावर मोर्चा के जिले के समस्त कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और हमारे साथ में हमारे भारतीय जनता पार्टी के दो महामंत्री साथ में हैं, इधर हमारे मनमोहन सिंह जी साथ में खड़े हुए हैं। सब आज जिले के नेतृत्व में, जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में, जिला महामंत्रियों के नेतृत्व में आज ये जो प्रदर्शन हुआ है, इसलिए हुआ कि राहुल गांधी जी ने विदेश में अमेरिका में जाकर के कहा है कि यदि मेरी सरकार आई तो मैं देश से आरक्षण समाप्त कर दूंगा। ये पिछले वर्ग के आरक्षण विरोधी ये गांधी परिवार जवाहरलाल नेहरू से आज तक पिछले वर्ग को फुट पे लाता रहा है, लेकिन अभी पिछले वर्ग जो ये लोग पढ़े लिखे हो चुके हैं, सब कुछ समझते हैं। आज जो राहुल गांधी जी ने इस प्रकार का बयान विदेश में जाकर कहा है, पूरे हिंदुस्तान के पूरे भारत वर्ष की बदनामी की है। देश में वो कुछ भी कहे, लेकिन विदेश में जाकर भारत के लोगों की, जिन लोगों की आबादी लगभग इस देश में 70% पिछले वर्ग की हो, उस पिछड़े वर्ग को अमेरिका से ललकारा है। ये पिछड़े वर्ग के लोग आने वाले चुनाव